तहरीक इंसाफ के कारकुनान व कायदीन, आपके इल्मी है कि आज आपके चेयरमैन को और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस्लामाबाद में नाजायज सियासी मन घड़त मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अदालत के अहाते के अंदर जब वो अपने बायोमेट्रिक्स करा रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसका कोई कानूनी इखलाकी सियासी जवाब नहीं बनता। वो आज वहां गए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चेयरमैन की बुलावे पर। अब आपसे मेरी अपील है कि आप जहां जहां हैं आप पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इमरान खान साहब से यकजहती का मुजाहरा करें। मैंने इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा हूं और वहां मैंने जो सीनियर लीडरशिप और इमरान खान की मुरतब करदा 6 रुकनी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है ताकि हम अपना लायमल मुरतब कर सकें मशावरत से। जो इमरान खान साहब ने जलसों का ऐलान किया था, मेरी नज़र में वो शेड्यूल बरकरार है और उन जलसों को हमने पुरअमन एहतजाजी और यकजहती के जलसों में तब्दील करना है। मेरी गुजारिश होगी तंजीमों से कि अपनी तैयारियां जारी रखें, कारकुन पुरअमन रहें, पुरअज़म रहें। ये जंग इंशाल्लाह इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर हम जीतेंगे। हम हक पर हैं और हकीकी आज़ादी तक हमारी जो है जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान ने जो हमें हौसला और जो अज़म दिया है वो कायम रखें और पैगाम दे दें पूरे तूल वर्ष कि हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।